Good morning all of you. So this is Purva Sharma and today we take English lesson 2 and the name of lesson is Ratna's bangle. Okay, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रत्ना और बैंगल मीन्स चूड़िया. तो उसके बारे में पूरा चैप्टर है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे आपको लर्न करने में बहुत ईजी होगा. सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज हुज कॉल्ड डिट पुरु एंड रत्ना हियर. पुरु जो है वो रत्ना का भाई है. पुरु और रत्ना ने किसकी आवाज़ सुनी थी? द कॉल ऑफ बैंगल सेलर, मतलब एक चूड़ी बेचने वालों की उनने आवाज़ सुनी थी. सेकेंड क्वेश्चन है वॉट डिड रत्ना लव्स टू वियर. जो रत्ना थी उसे क्या पहनना पसंद था? क्या पहनना पसंद था? बैंगल्स, मतलब चूड़िया. आर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी बैंगल्स डिड अम्मा बाय फॉर रत्ना. जो रत्ना की मम्मी थी उन्होंने रत्ना के लिए कितने बैंगल्स खरीदे थे? तो कितने खरीदे थे? 10 बैंगल्स, मतलब 10 बैंगल. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड पुरु अरेंज द बैंगल्स फॉर रत्ना. जो पुरु था रत्ना का भाई, उसने बैंगल्स को कैसे अरेंज किया था? पुरु अरेंज वन रेड वन गोल्डन देन वन रेड देन गोल्डन एंड रेड. मीन्स उसने कैसे अरेंज करा था? पहले एक रेड कलर की चूड़ी ली, फिर एक गोल्डन ली, फिर रेड ली, फिर गोल्डन ली. ऐसे करके उसने पूरे सारे बैंगल्स को अरेंज करा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द बैंगल्स साउंड व्हेन पुरु मूव हिज ऑन देम. जब पुरु जब वो बैंगल्स को उन्हें जमा के दिया है ना, तो वो आवाज़ कैसे कर रहे थे? तो बैंगल्स की आवाज़ कैसे थे? क्लिक क्लिक वैसे करके बैंगल्स की आवाज़ आ रही थी. सिक्स क्वेश्चन है व्हाट डिड रत्ना डू आफ्टर वियरिंग द बैंगल्स. जब रत्ना ने बैंगल्स को पहना तब क्या हो रहा था? रत्ना जम्प्ड, वो जोर जोर से कूद रही थी. होप एंड रन इनसाइड द हाउस हैप्पली आफ्टर वी आर द बैंग. फिर क्या होता है जब उसे बैंगल्स को पहन लिया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसे बैंगल्स बहुत पसंद थे और वो पूरे घर में कूद रही थी, मतलब जंप कर रही थी. ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन आंसर्स. ओके, थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड.